हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, पांच शॉर्टकट्स जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है तो आप क्या आपको अगर होता फर्स्ट वाला शॉर्टकट बता दूँ क्या होता है, आप अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो शॉर्टकट में बताओ आपको, यहाँ पर जो आल्ट बटन लिखा हुआ है और उसके बाद आपने F4 पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर अल्ट दबाना है और F4 पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। ओके, शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप शट डाउन कर के बाद? सकते हो। सेकंड में यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप क्या होता है, यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं अगर आप स्क्रीन को, या फिर आपके पूरे आइकॉन्स या फिर कोई वर्ड्स है उनको अगर सिलेक्ट करना चाहते हो, आप क्या करोगे उसके लिए आपने करना होता है कंट्रोल और ऑल। तो देख सकते हो हमारा कंट्रोल और ऑल दबाने से पूरा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप इनको मूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको तीसरा शॉर्टकट बता दूँ, आप रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश करने के लिए ये ऑप्शन वाला बेटर वाला ऑप्शन आप समझते हो, लेकिन एकदम शॉर्टकट मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर स्क्रीन के अंदर में यहाँ पर F5 जो लिखा हुआ है ना, F5 पे अगर क्लिक करोगे ना तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। ओके, इस प्रकार से रिफ्रेश होगा, वो देख सकते हो। उसके बाद मैंने तो तीन शॉर्टकट बता मैं दिए बताना आपने। चाहूँगा आपको, विंडोज़ किस काम के लिए आता है। ओके, तो विंडोज़ का भी एकदम शॉर्टकट की है यहाँ पर। विंडोज़ पर अगर क्लिक करोगे, विंडोज़ मतलब ये बटन जो है, विंडोज़ और ई, आप अगर विंडोज़ पर एक बार होल्ड करके रखेंगे और ई पर दोनों को एक साथ अगर दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कमाल ओपन हो जाएगा। आपके जितने भी गैलरीज है, जो गैलरी में फोटो ऑडियो वीडियो जो भी है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। ओके, तो ये शॉर्टकट है गैलरी में जाने के लिए, ठीक है, विंडोज़ और ई। तो ये शॉर्टकट है आपको गैलरी में जाने के लिए। उसके उसके बाद बाद क्या है दोस्तों पांचवा पांचवा शॉर्टकट? शॉर्टकट इस प्रकार है, आप अगर विंडोज़ और टैब, विंडोज़ और टैब को अगर दबा के रखोगे, विंडोज़ और टैब को, तो आपका जो लैपटॉप है ना और जो फाइल्स आपने ओपन करके रखी हुई नीचे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो फाइल ओपन करके रखी हुई ना नीचे, ये यहाँ पर आपने जो जो काम करते हुए छोड़ दिया है तो उन सभी को एक साथ देख सकते हो दोस्तों। जी हाँ, एक साथ देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं विंडोज़ और टैब दोनों को एक साथ दबा दिया तो जितने मैंने फाइल्स ओपन की थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल में जाके यहाँ पर काम कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। पांचों शॉर्टकट कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।